नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कारण से मार्च व अप्रैल का मानदेय अभी तक नहीं आया, जल्द ही मार्च व अप्रैल का मानदेय आएगा। अतिथि शिक्षकों की मार्च व अप्रैल मानदेय से संबंधित बड़ा आदेश हुआ जारी। यह आदेश आप देख सकते हैं, 1 जून 2023 को आया है। वीडियो हम बना रहे हैं 2 जून 2023 को। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। आप देख सकते हैं आदेश 1 जून 2023 का, और वीडियो हम पब्लिश कर रहे हैं 2 जून 2023 को। यदि आप अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई भी आदेश डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम पर जाकर नरेंद्र विश्वकर्मा लिखकर सर्च करिए, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आदेश डाउनलोड कर लीजिए। जिले अंतर्गत शिक्षा कार्य हेतु चिन्हांकन नोडल एवं मार्च व अप्रैल 2023 हेतु बजट की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में। तो जन आदेश से आप पढ़ते हैं, संदर्भित पत्रानुसार जिले में अतिथि शिक्षकों कार्य हेतु चिन्हांकित नोडल कर्मचारी एवं अतिथि शिक्षकों के मार्च व अप्रैल 2023 तक के विकासखंडवार बजट की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें से 20 जिले द्वारा नोडल कर्मचारी की जानकारी एवं 30 जिले द्वारा अतिथि शिक्षक मार्च एवं अप्रैल 2023 की बजट की जानकारी GFMS पोर्टल पर अपलोड नहीं है। कहने का तात्पर, अभी जो अतिथि शिक्षक का बजट पोर्टल उस पर मार्च व अप्रैल की जो अतिथि शिक्षकों की जानकारी है कि किसकी कितनी वेतन बनना है, यह अपलोड नहीं की गई है, अपडेट नहीं की गई है, जो अत्यंत खेद का विषय है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न लंबित सूची अनुसार जिले में चिन्हांकित नोडल कर्मचारी एवं मार्च एवं अप्रैल 2023 की बजट की जानकारी 4 जून 2023 तक अनिवार्यतः GFMS पोर्टल पर दर्ज करें। अर्थात कहने का तात्पर्य है, 4 जून तक सभी अतिथि शिक्षकों की किसकी कितनी वेतन बनना है यह पोर्टल पर दर्ज करनी चाहिए। अब यहाँ पर जिलों की सूची दी गई है जिन जिलों में ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। GFMS पोर्टल पर मानदेय बजट की जानकारी अपडेट हेतु लंबित जिलों की जानकारी दी है। आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, नीमच, निवारी, रायसेन, राजगढ़, शिवपुरी, शिवपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा। यह सूची थी जिन्होंने अभी तक अतिथि शिक्षा के मानदेय बजट की जानकारी अपडेट हेतु ये लंबित जिलों की सूची है, और यह सूची है GFMS पोर्टल पर जिले अंतर्गत चिन्हांकित नोडल कर्मचारी की जानकारी अपडेट हेतु लंबित जिले की सूची, जिसमें आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, बनवाड़ी, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडौरी, हरदा, जबलपुर, खरगोन, मंडला, शिवपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, विदिशा, ये जिलों की जानकारी दी गई है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अतिथि शिक्षक से संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।